अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी नाहर जी बोलिए। तुम्हारे नाहर जी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं रूही, तुम्हारी बहुत याद आ रही है रूही। I miss you so 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 much। नाहर जी आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई देख या सुन लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप प्लीज अभी फोन रखिए। रूही कोई देखने सुनने वाला नहीं, सब कुछ चेक करके मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। okay? आज नाहर से दिल खोल कर रोमांटिक बातें करूंगी ताकि उसको रूही का नामो निशान भी याद ना रहे। Thank you, Lord. Thank you. रूही काश तुम मेरे पास होती, हम साथ होते। ये दूरियां क्यों है हमारे बीच बताओ। हाँ जी प्लीज आप इतनी लापरवाही से बात मत कीजिए, अगर आपने नहीं देख लिया या सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप प्लीज प्लीज थोड़ा सतर्क रहिए प्लीज। रूही कोई अग्नि सजनी नहीं आने वाला, और ये तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि डरे जा रही हो। हद है रूही। अच्छा ठीक है बताइए क्या कर। मैं चाहता हूँ तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। नाहर जी मैं वही हूँ आपके पास, आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। ओके। और अब अपने मन की आंखों से देखिए, मैं वही आपके पास आपके बालों पर हाथ फेर रही हूँ। जी मैं यही हूँ। रूही तुम सच में मेरे पास हो? हाँ नाहर जी मैं यही हूँ आपके करीब आपके साथ। आपके कार पर अब्बा हाथ फेर रहे हैं। और अपने हाथों से आपके गाल पर थप्पड़ मार रहे हैं। रूही रूही ये क्या था, बहुत गलत बात है, तुम भी ना यार। रूही तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नट के सारे शानदार एपिसोड्स। ये स्लाइड्स बहुत खाली है। नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, जैसे मैंने बताया था वैसे री एडिट करो और मुझे सेंड करो वापस। ओके सर मैं आपको अभी भेजती हूँ। ओके सेंड करो वापस। अग्नि तुम बोलो। नहार तुम इतनी देर तक काम कर रहे हो? हाँ वो एक्चुअली एक क्लाइंट है, उसे एक जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत अर्जेंट है तो यू नो। अच्छा ठीक है वो सब छोड़, सुना ना मैंने हमारे लिए बहुत प्यारी सी डेट नाइट प्लान किया है, चलो ना। थैंक यू अग्नि, लेकिन आज ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, बहुत काम किया हूँ सुबह से और मैं बहुत थक चुका हूँ, सच में वेरी टायर्ड, बहुत बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट स्वीटी। ये ले, ये रहा तेरा पानी और मैं तेरे लिए तेल भी लेके आई, फिर चंपी कर देती हूँ। माना अब
मैं तेरी प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकती लेकिन तुझे रिलैक्स तो कर ही सकती हूँ। चल अरे वाह कितना प्यार है तुम दोनों का। लाड़ लड़ा रही है तो जुई नजर ना लगे तुम्हारे प्यार को है रुई। देख तेरी बहन को कितनी परवाह है तेरी। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तू अपनी बहन की खुशियों को भूल गई। अब माना मैंने नहार दामाद जी की याददाश्त चली गई है तो जूही वहां रह नहीं सकती। समर दामाद जी से जूही मिल भी नहीं सका। भाई पति है आखिर वो इसके। क्यों देखो 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 हीरोइन को जरा सा कुछ कहा नहीं नौटंकी शुरू हो गई इसकी बस है। अरे मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बेटियों का ब्याह हो जाता है शादी ब्याह के बाद लड़कियां जो है ना ससुराल में ही ठीक रहती हैं वहीं अच्छी लगती है बस मायके आया जाया करे वही सही है। तेरी बहन है तू ही पूछ पूछ इससे ये कब तक यहाँ मायके में रहकर अपना काम चलाएगी पूछ जरा। अरे मैं तो कहती हूँ कम से कम तीज त्योहार में जैसे कल नवरात्र है जाए घर में अपने ससुराल में बड़े बूढ़ों का पांव छुए आशीर्वाद ले अच्छा नहीं लगता है। रूही तू जरा समझा इसे कुछ भाई। क्या यार दादी रूही इतने दिनों बाद हम सबसे मिलने के लिए आई और आपके प्रवचन फिर से शुरू हो गए। मैं सोने के लिए जा रही हूँ मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। और तो इसमें प्रवचन की कौन सी बात गुड नाइट कोई बात गलत कही मैंने नहीं मुझे बताओ कोई। अरे मैंने कुछ गलत कहा सही कह रही हूँ ना मैं। रूही एक प्रॉब्लम हो गई वो समर को देखने लड़की वाले आए थे। वैसे दादी कह तो सही नहीं है ना और देख समर भैया तुझे कितना प्यार करते हैं वो भी चाहते हैं कि तू घर आ जा तो प्लीज उनसे बात कर लेना एक बार उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। कैसे सो गई है? सो गई अब जो ही अभी थोड़े कुछ समय वो भी नहीं सुनेगी मैं उससे सुबह बात करती हूँ। समझा इसको जूही अब तुझे नींद आ रही है क्या नखरे कर रही है तू नींद आ रही है तुझे हाँ क्या हुआ बहुत ड्रामेबाज बन गई है ड्रामा दिखा रही है नींद आ रही थी ना तुझे नींद आ रही है तुझे नींद आ रही थी ना तुझे चनिया चोली देख समर वहाँ चनिया चोली है। हाँ ये रखिए सामान यहाँ रखिए आराम से बॉक्स यहाँ रख दीजिए थैंक यू। अरे वाह तुम लोगों ने कल की नवरात्रि पूजा का सामान भी मंगवा लिया। रतन जी मुझे तो टेंशन हो गई थी कि रूही के बिना ये सब कुछ कैसे होगा। देखा रूही के बगैर भी सब कुछ अच्छे से हो सका है। पर दादी ये सब रूही भाभी के बगैर नहीं हुआ है ये सब उन्हीं का आइडिया था उन्होंने डेकोरेशन का सारा सामान मंगवा के रखा था हम तो बस उनका आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और माँ सच कहूँ तो कल नवरात्रि हमें याद भी नहीं था। अब पता है ना दामाद जी घर के सजावट की जिम्मेदारी अब आपकी। जी बिल्कुल दादी। नहार बेटा यहाँ आओ। हाँ दादी। बेटा तुम और समर कल जाके माता रानी की मूर्ति लेकर आ। ओके। इस बार हम नवरात्रि और दशहरा बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बस इस खानदान के चिराग को और उसके माता पिता को किसी की नजर ना लगे। अजी माँ तो रूही है ना। कमला ये पैसे लो अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीद लेना। जी दादी जी। अफनी जी क्या हुआ अचानक वहां से चली क्यों आई? रोमिल जी रूही भाभी का ऐसे जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रूही भाभी ऐसे चली गई। उनके लाइफ में इतनी तकलीफें आई इतनी प्रॉब्लम्स आई फिर उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी फिर जब उनके पति और उनके बच्चे को इतनी ज्यादा जरूरत है उनकी
वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? अपनी जी हो सकता है उन्हें साले साहब की बातें कुछ ज्यादा चुभ गई हो। मैं नहीं मानती। नाहन भैया की बात का कभी बुरा नहीं माना रूही भाभी ने। फिर जब वो जानती है कि उनको कुछ याद नहीं है, वो ऐसे जा कैसे सकती हैं रोमिल जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए चलिए आप मेरे साथ आइए। अब चलिए। अपनी की बात तो सही है। रूही वो पतिव्रता है जो मरकर भी अपने पति का साथ ना छोड़े, और ऐसी माँ है जो किसी भी हद तक अपने बच्चे के लिए जाएगी। फिर वो इतनी आसानी से घर छोड़कर कैसे चली गई? इसके पीछे उसके कोई चाल तो नहीं? नहार जी और मैं भले ही अभी दूर है, पर हम एक हैं, और अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।